डेजी नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। रेगिस्तान है यहाँ पे, ग्रासलैंड है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। डेजी नेशनल पार्क 3000 स्क्वायर किलोमीटर है, वो दो डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसलमेर और बाड़मेर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने तक अच्छा टाइम रहता है, कूल रहता है, और विंटर माइग्रेटरी बर्ड भी अच्छे मिलते हैं, रेजिडेंट भी अच्छे मिलते हैं, तो वाइल्ड लाइफ की बहुत एक्टिविटी अच्छी रहती है। डेजी नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारी रेजिडेंट और विंटर माइग्रेट बर्ड बहुत चाहते हैं और बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। बहुत सारे फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हमारे पास यहाँ पे आते हैं और उनको यहाँ के रेजिडेंट बर्ड और विंटर माइग्रेटरी बर्ड भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग में कूल टाइम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है और मॉर्निंग में बहुत जल्दी बर्ड एक्टिव हो जाते हैं और थोड़ा 10 या 30, 11 तक वो एक्टिव रहते हैं। मैमल्स के लिए आफ्टरनून में अर्ली इवनिंग अच्छा रहता है। विंटर में ईगल्स आते हैं। यह हमारा यहाँ का स्टेट बर्ड गोडावन, जिसका साइंटिस्ट नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो दुनिया के अंदर सिर्फ 150 बचे हैं, तो वेरी क्रिटिकल इंजर्ड हो गया है वो, और वो सिर्फ दिखता तो इधर ही है। फिर एक बर्ड आता है ट्रम्पेट फिंच। एनिमल्स में यहाँ पे दिखते हैं डेजर्ट कैट दिखता है, उसके बाद में डेजर्ट फॉक्स दिखता है, नीलगाय दिखता है, चिंकारा दिखता है। बहुत अच्छे हैबिटेट्स हैं। डेजी नेशनल पार्क की विलुप्ति वाली जगह है जिनको लोगों को पता नहीं है, क्या आप आओ एक बार विजिट करो यहाँ पे, देखो यहाँ का एरिया, अलग फीलिंग मिलेगी।